हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आज मैं फिर से आम की एक और रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है लौंजी। इसके लिए मैंने थोड़े से सॉफ्ट आम यूज़ करे हैं और उसको पीसेस में कट कर लिया है। एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, उसको अच्छे से चटकने देंगे और उसके बाद हम इसमें एक चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से भुनने देंगे जिससे इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। बस जैसे ही कलौंजी भुन जाती है इसमें हम 150 ग्राम के करीब गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को पीसेस में काट के ऐड किया है। एक कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से चला देंगे ताकि गुड़ की जो है वो चाशनी जैसी बन जाए। गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे, इससे जो एक्स्ट्रा पानी डाला है वो जल जाएगा। एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच काला नमक इसमें ऐड करेंगे हम। उसके बाद इसे अच्छे से चला देंगे जिससे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। फिर एक चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे, उसको भी अच्छे से चला देंगे जिससे कि वो भी इसमें मिल जाए। बस अब हम क्या करेंगे कि गुड़ की चाशनी को अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद हम अच्छे से खौल आने के बाद जो हमने आम कट करके रखे हैं पीसेस में उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं सॉफ्ट वाले आम इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये खट्टी मीठी बनके तैयार होती है। यदि आप कच्चे आम इसमें यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ की जो मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो खट्टी हो जाएगी। तो बस यहाँ मैंने सारे ही आम इसमें ऐड कर दिए हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो गुड़ की हमने ये चाशनी तैयार करी है उसमें अच्छे से मिला दीजिए। अच्छे से मैं यहाँ चला दे रही हूँ इसको और बस अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और गैस की जो फ्लेम है वो लो नहीं करेंगे, हम मीडियम टू हाई पर ही रखेंगे और उसको इसी तरीके से पकाएंगे खौलाते हुए, क्योंकि जो हमने एक कप पानी हमने इसमें डाला है वो अच्छे से जल जाए। तो यहाँ ये देखिए मैंने अब इसको पका लिया है और ये थोड़ा से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब आम सॉफ्ट हो जाएं इस तरीके से 10 मिनट पकने के बाद, पहले चेक कर लीजिएगा कि आम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि काली मिर्ची का पाउडर हम आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे। वो आम सॉफ्ट होने के बाद ही ऐड कीजिएगा, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और काली मिर्ची की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बस 2 मिनट के लिए ढक दीजिए इसको, पकने दीजिए और गैस को अब खोल के देखिए ढक्कन, और गैस को हम जब बंद करेंगे जब इसको एक बार चला के देख लेंगे। बस ये पक्का तैयार है। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, 2 मिनट ढक्कन रख देंगे। अब ये थोड़ी सी गुनगुनी हो चुकी है, एकदम ठंडी नहीं हुई है। मैं आपको सर्व करके यहाँ दिखा रही हूँ। ये देखिए ये खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसको चाहें तो आप ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं फ्रिज में लगाकर। ये 1 से 1.5 हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी एक कप ऐड किया था वो हमने अच्छे से जला दिया है। अब ये सिर्फ गुड़ की चाशनी से बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको पूरी या पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो जो ऐसी आपकी चॉइस हो उसके साथ सर्व कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आने वाली जो भी रेसिपीज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आम की और भी रेसिपीज़ चैनल पर लाती रहूँगी आगे भी, और मैंने पहले भी आम की बहुत सारी रेसिपीज़ चैनल पर डाली है, तो आप प्लीज़ उनको भी जाकर देखिएगा और चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि यदि आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो वो कैसी बनी और आपको वो कैसी लगी, या आपने मेरी जो भी रेसिपी अभी तक ट्राई की है वो आपको कैसी लगी, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।